मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटे, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ दिस ईयर बुक यूनिट 22 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में आप लोगों ने बच्चे फोर्थ क्लास में थोड़ा बहुत इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं कि डेटा हैंडलिंग में आप किस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं और उसके किस तरीके से आप पिक्टोग्राफ को रीड करते हैं। तो बच्चे आज हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझाएंगे कि बार ग्राफ क्या होते हैं और हमको किस तरीके से बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिए, आइए पहले हम इसको समझते हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैड लर्न हाउ टू मेक पिक्टोग्राफ एंड इंटरप्रेट बार ग्राफ। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ। आपने जो पिछली क्लासेस हैं फोर्थ थर्ड क्लास में डेटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि किस तरीके से आप पिक्टोग्राफ बनाते हैं, किस तरीके से आप बार ग्राफ को रीड करते हैं। अब हम इसमें समझेंगे कि बार ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखिए, फर्स्ट कलेक्ट द डेटा। वी आर गोइंग टू यूज़ द गिवन डेटा टू मेक द बार ग्राफ। सबसे पहले आपने एक डेटा को कलेक्ट करना है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ ए टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पर हमने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया। देखिए क्या डेटा है। एज ऑफ 25 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इन ईयर आर एज फॉलोज। आपको 25 किसी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी क्या दी गई है, एज दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन डेटा को आपने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बनाया आपने, एज ग्रुप, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ पर्सन। ये कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, देखिए बेटा, जैसे हमने एज ग्रुप आपको इसको क्या कर दिया, क्या दे दिया, एक आपका इसमें हमने एज ग्रुप की रेंज दे दी, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, देन 26 से 30, 31 से 35। हमने इसमें कुछ एज की रेंज दे दी। ठीक है, रेंज देने के बाद अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके जो यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं टैली मार्क्स, जो आपके जो छोटी छोटी आप डंडियाँ देख रहे हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करी जाती है, देखिए, आइए देखिए। अब सपोज़ आपका ये यहाँ पर हमने एज ग्रुप दिया, टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए, किस तरीके से आप इसके टैली मार्क्स को ड्रॉ करते हैं, आइए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, 11 से लेकर 15 तक के ग्रुप के बच्चे कितने हैं, कितने लोग हैं वो देखेंगे। अब आप यहाँ पर जब आप इनके देख रहे हैं, ये यहाँ पर बने हुए हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 11 से लेकर 15 तक के बीच में 5 मेंबर्स हैं। 16 से लेकर 20 तक के कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे उतने आपके वो नंबर, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो आप इनको काउंट करके यहाँ पर लिखते जाएंगे, आई बात समझ में। और देखिए बेटा, टैली मार्क का भी रूल होता है कि आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, 1 2 3 4, 4 के बाद जब आपका नंबर हो जाता है तो अगला आप यहाँ 5 नहीं ड्रॉ करते, आप इसमें एक कट कर देते हैं। ये आपका रूल होता है टैली मार्क को ड्रॉ करने का, 4 के बाद हमने 5 को एक ऐसे कट कर देना है। और अगला देखिए 8 है, तो 8 में देखिए कैसे, 1 2 3 4, 5 को मैंने कट कर दिया, 6 7 8। ठीक है, अब इनको काउंट करके आप इसको यहाँ लिखते रहेंगे। ये तो आपका हो गया कि टेबल आपने कैसे बनाई। अब आप देखिए यहाँ बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास ग्राफ्स हैं, आप लोगों को सबको पता है ये ग्राफ्स होते हैं, इन जिसमें हम बार ग्राफ को बनाते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्राफ्स, ये आपकी ग्राफ्स हैं। ठीक है, ग्राफ में आप लोग बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप ले लेते हैं बेटा एज ग्रुप, हमने यहाँ पर एज ग्रुप लिया और यहाँ पर ले लिया नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन हैं। एज ग्रुप जो हमको टेबल में दी गई है 11 से 15, 16 से 20, आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, और जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है आप यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए 11 से 15 तक हमने यहाँ पर क्या देखा था, 5 हैं, 5 मेंबर है, तो आप इनका ग्राफ बनाएंगे, 5 तक इसको स्टॉप कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इसको आप 5 बनाएंगे। 16 से लेकर 20 यहाँ पर 8 पीपल हैं, तो 8 पर्सन है, 8 तक करेंगे। उसके बाद 21 से 25 7 है, 26 से 32 है, 31 से
35 आपके 3 मेंबर हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बार ग्राफ को ड्रॉ किया। तो आइए हम आपको समझाते हैं एक्सरसाइज 22.1 में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, तब अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सम स्टूडेंट्स वर आस्ड हाउ मच पॉकेट मनी दे रिसीव्ड एवरी वीक। यानी कि कुछ बच्चों से क्या पूछा गया, ये पूछा गया कि उनको हर हफ्ते कितनी पॉकेट मनी रिसीव होती है, कितनी पॉकेट मनी उनको मिलती है। तो देखिए, द रिप्लाई वॉज एज फॉलोज। अब आप देखिए, यहाँ पर रिप्लाई ये आया कि इतने बच्चों को ये इतनी इतनी पॉकेट मनी, किसी को 60, 90, 100 अलग अलग पॉकेट मनी। अरेंज दिस डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको यहाँ पर टेबल ऑलरेडी बनी गई है, इस डेटा को आपने इस टेबल में ड्रॉ करना है। अब देखिए बेटे, हमने यहाँ पर सबसे पहले रेंज दे देनी है। रेंज यानी कि 1 से लेकर 20, 21 से 40, 41 से 60, ये आपके पॉकेट मनी है। 61 से 80, 81 से 100। 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर लेने होते हैं, 100 से ऊपर नहीं है, तो हमने यहाँ पर रेंज ले ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेंज लेने के बाद देखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, आप यहाँ पर टैली को ड्रॉ करते हैं। तो टैली ड्रॉ करने के लिए अब हम यहाँ पर ही आपके टैली ड्रॉ करके दिखा देते हैं। 1 से लेकर 20 तक के बच्चे आप यहाँ काउंट करेंगे। जब आप इसे काउंट करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 20 रुपए तक की को किसको कितनी मनी मिलती है, 1 रुपए से 20 रुपए तक में आपके दो नंबर को, दो स्टूडेंट्स को मनी मिलती है। हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद टैली मार्क को यहाँ ड्रॉ करेंगे। 21 से 40 कितने बच्चों को मिलती है, हमने काउंट किया तो 3। यानी कि आप इसे ऐसे काउंट करके देखिएगा, 21 से 40 में कितने बच्चे हैं, तो 3 हैं। 41 से 60 में कितने बच्चे, 8 हैं। 61 से 80 में 6 बच्चे हैं। 81 रुपीज़ से 100 में 6 बच्चे हैं। ठीक है बच्चे, ये अब आपके गए नंबर स्टूडेंट। अगर आपको चेक करना सही है तो आप इन सबको काउंट कर लीजिएगा। देखिए, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 कितना हो गया आपका, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया, 25। तो टोटल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब आप इनको काउंट करेंगे तो 25 आने चाहिए। ये आपके होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपने यहाँ टैली मार्क मैंने बताया था, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। 2 है तो आप दो टैली, यहाँ पर दो डंडी खींच दीजिए, दो लाइन। 3 है तो 1, 2, 3 खींच दीजिए। 8 है तो देखिए 1, 2, 3, 4। अब मैंने क्या बताया था, 5 ड्रॉ नहीं करेंगे, 5 को एक काट देंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आपके टैली बनी, बहुत इजी है। अगला है 6, 1, 2, 3, 4 पे आपने किया, 5 को काट दिया और 1, 6। आ गई बात समझ में, अगली भी सेम आएगी, अगली भी आपकी 4, 5 और 6। ठीक है, अब हमने क्या बना दिया, इसकी पूरी टेबल बना दी। आइए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, हमने यहाँ पर एक पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, एक एक्सिस इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दे देंगे पॉकेट मनी की रेंज और यहाँ पर दे देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप इसमें देखते जाइए, पहले इसमें डॉट लगा दीजिए। 1 से 20 तक के कितने बच्चे हैं, देखिए बच्चे 2 है, देख रहे हैं आप, 1 से 20 तक की रेंज में 2 है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे डॉट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 21 से 40 के बीच में देखिए यहाँ पर 3 बच्चे हैं, तो आप 3 यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 41 से लेकर 50 तक के 8 बच्चे हैं, 8 पे हमने डॉट लगाया। 8 के बाद है अगली रेंज है 6 पे आप डॉट लगा दीजिए। उसके बाद अगली भी आपकी 6 है, तो अगला भी आपका 6 पे डॉट लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, जब आपने इसको कर लिया तो अब आप यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ में बार ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। बार ये हो गया आपका 1 से लेकर 20 तक की रेंज, अगला क्या हो गया 21 से लेकर 40 तक की रेंज, 21 से लेकर ये आपका है 3 स्टूडेंट। अब आप यहाँ कर दीजिए, ये हो गया आपका 21 से 40 तक की रेंज। उसके बाद क्या हो गया, 41 से लेकर 60 तक का है, तो आप यहाँ का 8 कर दीजिए या आप यहाँ लिख दीजिए 41 से लेकर 60, या आप थोड़ा सा आगे कर दीजिए 41 से लेकर 60 आपका हो गया 8। ठीक है, एक एक गैप छोड़ के करिएगा, 41 से लेकर 60 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप दे दीजिए 61 से लेकर 80, ये आपका कितना है 6 है, तो आप यहाँ पर करिए। इस तरीके से आपका पूरा बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये बन गया 60। अब आगे 81 से लेकर 100,
तो यहाँ पर है, वो भी सिक्स तक ही है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करिए। आ गई बात समझ में। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हमने ग्राफ बन गया, यहाँ पर पॉकेट मनी और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है बच्चे। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ की मैं आपको सॉल्यूशन बना के भेज दूंगी, ठीक है। सेकंड आप खुद करने की कोशिश करिएगा, इसकी मैं आपको सॉल्यूशन अभी भेजती हूँ किस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है।